Jay Cleveland. नजदीक जाओ ना रानी, ये दूर दूर क्यों जाओ, नजदीक जाओ। अचन थाना तो बिल्कुल सेकंड टाइम चुकी थी यहाँ पे। अचन थाना तो दायित्व होना चाहिए उनको। मनोज लाइट करो थोड़ा, उधर से लाइट। मैं भी करता हूँ। अब उसके बाद में सब लोग छोड़ में जा रहे हो, सुनो सुनो समझ के नहीं जा रहा हूँ। ये इसकी यहाँ से मुझे पता नहीं दूरी कितनी होगी, यहाँ से 120 हमारे वहाँ से 30 किलोमीटर। गंगानगर से तो मैं तो ये एक ही बात जानता हूँ, ये बाड़मेर गंगानगर से दूर भली हो लेकिन यहाँ के लोग दिलों से दूर नहीं हो। तो सरहदी जिले में आपका पदस्थापन हुआ है, क्या प्राथमिकता रहेगी यहाँ को लेकर, और इससे पहले कहाँ कहाँ का अनुभव है जो बाड़मेर में काम आएगा? क्योंकि मैं गंगानगर से आया हूँ तो गंगानगर भी एक सरहदी जिला है और वहाँ का अनुभव यहाँ निश्चित तौर से काम आएगा। और मुख्य उद्देश्य यही रहेगा जो पुलिस का मेन जो है कर्तव्य है कि जान माल की सुरक्षा करना, चोरियों पे अंकुश लगाना, और वर्तमान में जो आगे चुनाव हैं कॉलेज के चुनाव, उनमें भी शांति व्यवस्था बनाए रखना, और साथ ही महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देना, क्योंकि बाल पे बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, महिलाएं बाहर वो सुरक्षित महसूस करें शहर में, और पुलिस पब्लिक रिलेशन है वो बढ़ाना। सर चूँकि बाड़मेर वर्तमान समय में विश्व पटल पर है, यहाँ पर लगातार बाहर से कंपनियाँ आ रही हैं, बाहर से लोग भी आ रहे हैं, बाहर के देशों से लोग भी आ रहे हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है तो यहाँ पर अपराध में भी अलग अलग तरीके से इजाद प्रवृत्ति बदली है, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को किस तरीके से सतर्क रहकर ऐसे इलाकों में काम करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक विडंबना ही है कि जैसे जैसे हम विकास करते हैं अपराध का ग्राफ भी बढ़ता है। ये दुर्भाग्य मानिए कि विकास के साथ साथ हमें शांति के बजाय हम क्राइम की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जनता से लगातार संपर्क बनाकर आसूचना संकलन करके जो बाहर से लोग काम करने बैठे हैं उन्हें भी सुरक्षा महसूस हो यहाँ आकर। तो सर सरहदी जिले जो भारत और पाकिस्तान सीमा पर हम बसे हैं, तो यहाँ के जिला मुख्यालय के मुख्य थाने के रूप में कोतवाली को माना जाता है, हाँ सर, तो यहाँ को लेकर क्या रहेगा कि चूंकि ये थार एक्सप्रेस जो पाकिस्तान से होकर निकलती है वो भी इसी इलाके से होकर निकलती है, तो सरहदी चूंकि जिला है तो इसको लेकर क्या आपकी प्राथमिकता है, क्या विशेष? बिल्कुल, इस संबंध में फीडबैक लिया जाएगा और जानकारियाँ एकत्रित की जाएगी, आसूचना संकलन की जाएगी ताकि किस तरह की कोई अवांछित गतिविधियाँ ना हो, बिल्कुल प्रॉपर निगाह रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी, सर्विलांस बढ़ाया जाएगा। आम जन में भरोसा अपराधियों में है, इस ये वाक्य पुलिस पर किस तरीके से काम होगा ताकि पुलिस और आम जनता है उसके बीच में सामंजस्य बढ़े? बिल्कुल, जैसे कि हमारे उच्च अधिकारियों की भी यही मंशा है कि इस ध्येय वाक्य पे पूर्णतः इस संबंध में कोई जीरो टॉलरेंस की नीति, यानी पूर्णतः इस वाक्य को अमल में लाया जाए दैनिक गतिविधियों में, तो जैसे उच्च अधिकारियों की रामजन की जो हमसे अपेक्षाएं हैं उन पर हम खरा उतरेंगे। थैंक यू।